तो हेलो गाइस, ताक झाक ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज मैं फ़िलहाल निकल रहा हूँ अपना दूसरा घर असम के लिए। थोड़ा देर में मेरी बस आएगी, मैं उसी पे चला जाऊँगा असम। मैं जा रहा हूँ असम, और मैं मेरा वहाँ पे एक और घर है, जाकर वहाँ पे आप सभी को फिर से अपना दिखाऊँगा घर और वहाँ का नज़ारा अपने ब्लॉग में। आज निकलने का टाइम है, आधे घंटे में निकल जाऊँगा, तो मैं आप लोग को चल के रास्ते दिखाऊँगा, घर दिखाऊँगा, एक से एक वहाँ पर टाउन है, सिटीज है, सब आपको दिखाऊँगा। तो आप वीडियो पे बने रहिएगा, आप सभी को फिर से दिखाऊंगा। हेलो गाइस, तो आप लोग देख सकते हैं कि अभी मैं रुका हुआ हूँ बॉर्डर पे, असम और बंगाल के बॉर्डर पे, और थोड़ा देर में ही हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे, निकलेंगे। अभी फ़िलहाल हम लोग बॉर्डर पे रुके हुए हैं, थोड़ा बाथरूम वगैरह जाएंगे, फ्रेश व्रेश होकर खाना वाना खाकर फिर यहाँ से निकलेंगे। आप लोग देख सकते हैं लगा हुआ है, बहुत सारी ट्रकें लगी हुई है, हम लोग का भी इधर लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और थोड़ा देर में हम लोग फ्रेश होकर यहाँ से निकलेंगे डीमापुर के लिए, और चलिए डीमापुर का आपको नज़ारा दिखाऊंगा। आप लोग देख सकते हैं बॉर्डर आगे बढ़ा है, ये रहा असम और बंगाल का बॉर्डर, थोड़ा दूर आगे में असम है और ये बंगाल है, क्योंकि मैं अभी बंगाल में खड़ा हूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, निकलूँगा तो दिखाऊँगा। फाइनली हम लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम लोग? खाना खाने, खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ पे खाने का उतना व्यवस्था है नहीं, तो कहीं और जा रहे हैं हम लोग। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मार्केट सब बंद पड़े हुए हैं, रोड खालियाँ हैं, इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है, मार्केट सब खाली है। एक्चुअली हुआ क्या, हम लोग डीमापुर नहीं जा पाए। मैंने तो बोला था आप लोगों को डीमापुर टाउन दिखाऊंगा। मैं महज आपका 4 या 5 किलोमीटर डीमापुर से दूर हूँ, उसी में खड़ा हूँ। एक्चुअली वहाँ पर कोई चीज़ का दंगा फसाद वगैरह वगैरह कुछ चल रहा है, इसीलिए सारे मार्केट रास्ते वगैरह सब बंद कर दिए, वहाँ पे किसी को कोई जाने नहीं दिया। आप लोग देख सकते हैं पूरा खाली मार्केट पड़ा है, और फिलहाल हम लोगों की गाड़ी यहीं पे खड़ी हुई है, और मैं आप लोग को नहीं दिखा पाया डीमापुर टाउन, सॉरी इसके लिए। नेक्स्ट टाइम आप लोग को अगर टाइम मिला तो फिर डीमापुर जाकर आप लोग को डीमापुर सिटी दिखा सकते हैं। बट मैं जहाँ पर अभी खड़ा हूँ, अभी कार्बी अलंग डिस्ट्रिक्ट ही पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे अच्छे नाइसेस प्लेसेस है, आप लोग देख सकते हैं हिल्स वगैरह है, बैक साइड में प्लेसेस है, कितने अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और एक और यहाँ पे एक बात मैं बता दूँ कि यहाँ पे वीडियो जो मैंने कर रहा है, बहुत लोगों ने कहा, भैया ने कहा, भाई साहब इतना वीडियो यहाँ पे मत कीजिए, नहीं तो आप लोग का मोबाइल वोबाइल सब कुछ छीन सकता है। इसी की वजह से मैं यहाँ पर ज़्यादा वीडियो वगैरह नहीं कर सकता, सिर्फ आप लोग का थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा दिखा सकता हूँ। नहीं तो मेरा कोई मोबाइल छीन लेगा तो फिर क्या होगा, क्या चीज़ से ब्लॉग बनाऊँगा। तो टेक केयर, निकल मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट अगले वीडियोस में। मैं अब नौगांव जाकर अपना वीडियो बनाऊंगा, ब्लॉग बनाऊंगा, वहां पे जाकर आप लोग अच्छे से प्लेस और जगह दिखाने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरा न्यू वीडियो आप लोग को बहुत जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू सो मच।
गाड़ी गाइस आप लोग देख सकते हैं तितली रानी बेचारी कहीं से आकर फंस गई है हम लोग के गाड़ी के अंदर, और मैं इसको निकालने में इसका मदद करता हूँ तितली रानी को। गाड़ी एक्सीडेंट हुआ देखे, और भाई साहब बता रहे आगे में गाड़ी एक्सीडेंट हुआ है, तो दूर वहाँ पे आप लोग देख सकते हो रहा कुछ आदमी लोग जमे खड़े हुए हैं, एक्सीडेंट हुआ। तितली रानी उड़ जा उड़ जा, उड़ गई, हो रही गई 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 गई। तो गाइस मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस जगह पे मैं आया हूँ ये जगह उतना सही नहीं है, यहाँ के लोग और यहाँ के समाज और यहाँ के कल्चर वगैरह कुछ अजीब तरीके के हैं, जहाँ पे वीडियो वगैरह करना इन लोगों को पसंद नहीं है, और यहाँ पे ज़्यादा मैं आप लोगों को ब्लॉग बनाकर दिखा नहीं सकता। यहाँ पे अगर ज़्यादा वीडियो भी अगर आप बनाकर दिखाने से, मोबाइल वोबाइल दिखाने से, ये लोग यहीं पे मेरा मोबाइल छीन उन लेगा, हमको मुझे मार भी सकता है लोग, इसीलिए चोरी छिपे सब कर रहा हूँ। और यहाँ से लेकर जाऊँगा आप लोगों को नौगांव, तो वहाँ पर जाकर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो दिखाऊँगा बना के और सब आप लोगों को शेयर कराऊँगा। थैंक यू सो मच।